राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ है, एलजी के खिलाफ है। जैसे कि शनिवार को फायर सर्विस की जो लिस्ट आउट हुई, एक तो वो लिस्ट जो है वो शाम के समय इन्होंने आउट की, उसमें इतना भेदभाव किया गया है कि जिसमें 100 सीटें सिर्फ जम्मू को और 650 सीटें जो हैं वो कश्मीर को दी गई हैं। उसमें एक जिला है बड़गाम, उसको 200 से ज़्यादा सीटें की दी गई हैं। और वहाँ के जो 8वीं 9वीं पास जो लोग थे, कैंडिडेट थे, उनको 100 में से 96 इस प्रकार नंबर दिए गए हैं। और जम्मू से जो पोस्ट ग्रेजुएट युवक थे जिन्होंने अप्लाई किया था और इसमें भाग लिया था, उनको 60, 65, 50, 45 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। यह इतनी बड़ी धांधली जो इन्होंने की है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि इस धांधली को सामने लाया जाए। जिन लोगों ने इसके अंदर पैसे खाए हैं उनको भी सामने लाया जाए, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। 370 तुड़वाने में जम्मू के लोगों का अहम योगदान था। जम्मू के लोगों ने सोचा कि 370 35 हटेगी, उसके बाद जम्मू के साथ भेदभाव खत्म होगा और जम्मू को उसका हक मिलेगा। लेकिन जो अभी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे यहाँ गवर्नर की सरकार है, लेकिन भेदभाव आज भी जारी है।